Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon. क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम है जॉनसन पीजे। जॉनसन पीजे, जैसे हम देख रहे हैं यूएसए आर्मी, तो क्या हुआ आपके पास यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर पर आप बैठे हो? एक्सीडेंट हुआ था कुवैत में काम करने के टाइम में यूएस आर्मी के साथ जी। 2004 दिसंबर 19 में एक्सीडेंट हुआ जी। और कंपनी का गाड़ी में एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट होने के बाद 2 महीना अस्पताल में था। उस समय कंपनी सब अच्छा ट्रीटमेंट दी। यानी कि जो यूएसए की आर्मी की गाड़ी थी उसके साथ आपका एक्सीडेंट हुआ था। तो 2 महीना आप हॉस्पिटल में भी रहे वहाँ उस समय का। अभी यहाँ दिल्ली में आप आए हो इंडिया के अंदर, तो किस चीज़ की मांग कर रहे हैं यहाँ के? बहुत सारे चिट्ठी आया है दिल्ली से, हमारे केरला गवर्नमेंट के तो पास से, और कुवैत हमारा अपना एम्बेसी कुवैत से। किस चीज़ की चिट्ठी आई आपको? ओ, इंश्योरेंस का पैसा मिलना चाहिए, अगर काम देना नहीं देना वो दुनिया में हर एक कंपनी सोचता है। एक्सीडेंट के बाद पे किस कौन सी कंपनी में आप काम करते हैं? यूएस आर्मी CSA लिमिटेड। अभी कंपनी का नाम चेंज हो गया, अगर के बॉस कुछ कहे, लेकिन यूएस आर्मी अभी भी है। नाम तो चेंज हो गया लेकिन यूएस आर्मी अभी भी है। तो जो वो कंपनी थी उस कंपनी को इंश्योरेंस देना था, या जो आर्मी की गाड़ी थी आर्मी वालों को वहाँ के देना था आपको? वो स्पॉन्सर भी बोला था मेरे को पैसा हम जरूर देंगे। उस स्पॉन्सर भी पुलिस स्टेशन में लेके गए के 2 बार लेके गया मेरे को, और 2 बार सिग्नेचर करवा दिया, और मेरे को स्पॉन्सर बोला 1 महीने के अंदर पैसा देगा। तो आपने कितने साल वहाँ पर जॉब की? उधर कुवैत में जाके 8 महीना 15 दिन जॉब करने के बाद एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट के बाद उन्होंने जॉब नहीं दी आपको? काम नहीं दिया। तो ये बोले कि आपको इंश्योरेंस मिल जाएगा? इंश्योरेंस भी देने के लिए उन लोग तैयार नहीं हो रहा था। फिर मैं प्राइवेट लॉयर के पास गया जी। तो प्राइवेट लॉयर ने गांव में 8,55,000 भेज दिया जी। यानी कि वहाँ पे आपने नोटिस भिजवाया? जब मेरे को एक आदमी लेके गया तो क्योंकि कंपनी नहीं कर रही है, अभी अपन वकील के पास जाके लड़ेंगे, तो वकील ने ऐसा किया कि 8 महीना 15 दिन काम किया ना, उसी हिसाब से 8,55,000 गांव में भेज दिया। और मेरे को बोला गांव जाओ और 1 महीने के अंदर वीसा भेजेगा, और वो वीसा में कुवैत में कितना पैसा बनता था आपका? वकील बोला 4 तरफ का पैसा मिलेगा, 1 तरफ का पैसा मिला है। नहीं, टोटल कितना पैसा मिलना था आपको? ओ, वकील बोल रहा था कि 4 लाख मिले, अभी 8 लाख, अभी 8,55,000 मिला है। 8,55,000 मिल चुका। और 4 फेसेस होता है, उसमें 1 फेसेस इतना भेजा और बाकी 5 लाख और देने गए। यानी कि 5 लाख इसमें बाकी है जी। वो भी और बाकी 3 फेसेस का कॉम्पनसेशन कुवैत में जाके उन लोगों का रूम में रहेगा, अच्छा सुरक्षित से लड़ेंगे और अच्छा पैसा मिलेगा। अभी आपका कितने पैसे की मांग कर रहे, कितना आपका बचा हुआ है? ओ, हमको कुछ मालूम नहीं क्योंकि हमको पैसा मिलना चाहिए। जैसे आप कह रहे कि 1 फेस का पैसा आपको मिल गया? मिल गया, वकील ने बोला था 8 लाख कुछ पैसा मिला था, ठीक है। और कह रहे कि 3 फेस और बचे हुए, 3 फेस वकील, 8 के हिसाब से अगर गुनाह करे तो जरूर मिलेगा। और वकील ने ये भी 24 लाख लगभग जरूर मिलेगा, 25 लाख जरूर मिलेगा। वकील ने ये भी बोला था कि कंपनी बहुत जगह में धोखा दिया है, काम नहीं दिया है, और तुम जाओ गांव में ऑपरेशन करो, गांव जाके फिर चिट्ठी नहीं, फ़ोन करेगा तो जवाब नहीं, कुछ नहीं। मेरे दोस्त की माँ से जो माँ के मैनेजर थे उन्होंने आपको वापस भेज दिया, गाँव जाओ ऑपरेशन कर ले, गाँव जाओ सब करेगा बोला। अच्छा, गांव जाने के बाद जो भी बनता है सब कुछ आपको मिला, सब बोलेगा दिया देगा बोला। कि यहाँ भेजने के बाद अब कुछ नहीं आपको मिला? नहीं, कुछ मिला नहीं। तो आप किससे मांग कर रहे हैं यहाँ के? अभी अलीको एजी इंश्योरेंस कंपनी का तरफ से उन लोग भेजा बोला, चिट्ठी आया है। दिल्ली में किससे मांग कर रहे हैं आप? दिल्ली अभी आया मैं क्योंकि अपना गवर्नमेंट तो इधर है, PM का पास अच्छा पावर है, और PM आज के आज तो बटन दबाएगा तो कुवैत इंडियन एम्बेसी कुवैत जरूर काम करेगा। यानी कि जो हमारे PM है उनसे आपको उम्मीद है कि आपका पैसा वे दिलवाएंगे? जरूर दिलवाएंगे क्योंकि सबके साथ सबका विकास का योजना सब आदमी दुनिया का पूरे आदमी गले में ले लिया है, अच्छा आवाज़ है, और यह आवाज़ नीति तरंग का आवाज़ होता है, तो जरूर प्रधानमंत्री सबका भी निधि करके देगा, मेरा भी निधि करके। यानी कि आपको भी एक उम्मीद है कि जो प्रधानमंत्री आज हैं हमारे वो आपकी बात सुनेंगे और आपका पैसा दिलवाएंगे? बात सुनने के लिए हम कोशिश अपॉइंटमेंट देने के। यहाँ पे ज्ञापन किसको दिया आपने?
आज तो पुलिस का परमिशन लिया और आज इधर आया। परमिशन लिया तो ज्ञापन भी किसको दिया, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति किसको दिया यहाँ पे? हम प्रधानमंत्री को सुषमा स्वराज को ईमेल भेजा है, हम इस तारीख को आता है। सुषमा स्वराज को भेजा है अमित विदेश मंत्री जो, हाँ विदेश मंत्री, हम इस तारीख को आएगा और इस दौरान दिन हम दिल्ली में है और हमको अपॉइंटमेंट देने के लिए तारीख देना और बातचीत करने का है। अभी तक अपन में मिला नहीं, मिलेगा बाद में, मिलेगा। यानी कि एक आश्वासन आपको मिला, आपने जो ज्ञापन दिया कि आपसे मुलाकात होगी, जरूर मुलाकात के लिए प्रधानमंत्री मेरे को बुलाएगा क्योंकि ऐसा प्रधानमंत्री ने, उम्मीद से आप यहाँ बैठे दिल्ली के जंतर मंतर। हाँ जरूर बैठना चाहिए क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी ने बोला था एक बारे में नीति के बारे में, ये नीति के लिए आक्रोश करना, नीति के लिए यात्रा करना बहुत अच्छा होता है, कभी कभी जल्दी मिलता है कभी कभी। यानी कि जो ये आपकी लड़ाई है, ये लड़ाई कहाँ तक लड़ोगे? मैं और 7 बार आने वाला है, 7 बार के बाद मैं देखता हूँ, अगर 7 बार में भी आपकी मांगे नहीं सुनी गई, आपकी बातें नहीं सुनी गई, फिर मैं देखूंगा गांव का गांव घर बेच के मैं सुप्रीम कोर्ट का तरफ लड़ रहा हूँ। यानी कि अब आपका लास्ट रहेगा कि लास्ट अगर आपकी बात नहीं सुनी गई तो सुप्रीम कोर्ट के आप जाएंगे? जरूर जाएंगे क्योंकि सब सारा पता चिट्ठी आया है, जो चिट्ठी आई हुई है सब कुछ आपके पास, हमारे पास है। थैंक यू। और ये नंबर है मेरा, अमेरिका कंपनी में काम करने वाला एक पासपोर्ट का, हर एक छाप हर एक आदमी का नंबर है। अच्छा, इसमें डायरी में माँ के लोगों के नंबर, सोशल सिक्योरिटी नंबर है एक एक एम्प्लॉय, और जो ये ऊपर नंबर लिखा हुआ है वही नंबर है हर एक। हाँ एक। थैंक यू, बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर एंड कमेंट, टू सब्सक्राइब दिस चैनल प्लीज प्रेस द बेल आइकन।